से साकार में श्रीमत लेने की दरकार नहीं। कई बच्चों को ये घमंड आता है कि हम शिव बाबा की प्रेरणा से चलते हैं। नहीं, अगर शिव बाबा की प्रेरणा से तो फिर भक्ति में भी तो ये भगवान भी आकर प्रेरणा क्यों नहीं देते थे? प्रेरणा दे रहे हैं कि मन मना भव मत्याजी भव। क्या प्रेरणा है? मन मना भव माने मेरे में मन लगा, किस में मन लगा? मेरे कह देने से पहचान मिल जाएगी, मिलेगी? पूरी पहचान चाहिए। ये पूरी पहचान, मेरी पहचान मेरे द्वारा मिलती है। मेरी पहचान मेरे सिवाय कोई भी नहीं दे सकता। और जब पहचान मिलती है तो मध्याजी भव भी हो सकते हैं। यजन याजी मेरे द्वारा यजन करने वाले बन सकते हैं, मेरा ही यजन करने वाले बने, कोई और की सेवा करने वाले ना बने। तो पहले मध्याजी भव या मनमना भव? पहले मनमना भव, पहले पहचान चाहिए। किस एक के प्रति सेवा भावी बनना है, किस एक की सेवा करनी है? तो प्रेरणा से नहीं देते हैं। यहां आकर के बाबा को इनसे कहना पड़ता है कि साकार बिगर हम कैसे तुमको मत दे सकता हूं। बहुत ऐसे हैं जो कभी बाबा से रूठते हैं तो बोलते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम तो शिव बाबा से डायरेक्ट राय लेंगे, परंतु उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, खोखले के खोखले ही रह जाएंगे। मत तो जरूर बाबा ही देगा ना, और बाबा किसे कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। बाबा ही मुरली बजाएगा, मुरली बजाएगा तो इनके द्वारा बजाएगा ना, नहीं तो प्रेरणा से क्या कभी मुरली बजती है? नहीं। तो यहां से बैठ करके समझाते हैं, कहां से हैं? यहां, यहां माने कोई साकार जगह है, स्थान के लिए है या व्यक्ति के लिए? यहां है व्यक्ति के लिए, यहां और वहां ये स्थान के लिए बोला जाता है या व्यक्ति के लिए बोला जाता है? स्थान के लिए बोला जाता है। तो यहां से बैठ करके समझाते हैं, कहां से हैं? कहां से? मधुबन से बैठ करके समझाते हैं।